वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कई दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे थे, इसके पीछे कुछ कारण था और कुछ कॉलेज के काम रहने की वजह से समय नहीं मिल पा रहा था। अब हम आप लोग के साथ रेगुलर रहेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और करेंट अफेयर के साथ साथ हम एक्स्ट्रा और भी सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे और जो भी आपको डिमांड रहेगा आप हमें कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे उसे डिमांड को पूरा करें। चलिए बिना समय को गवाए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई यानी कि आज तक के सारे करेंट अफेयर को हमने मेंशन कर दिया है और एक ही वीडियो में 10 दिन 11 दिन का आपका करेंट अफेयर मिल जाएगा और एक बहुत अच्छे ढंग का है, क्वालिटी भी अच्छा मिल जाएगा आपको। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, वहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? ये आपको अमित शाह जी की हैं। कौन की हैं? अमित शाह की हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इस्माइल कादरे का निधन हुआ, वे कौन थे? उपन्यासकार ये थे और इनको हाल ही में निधन हो गया और जो प्रसिद्ध लोग होते हैं उनकी हमेशा चर्चा में बात आती है। ये बहुत प्रसिद्ध थे, उपन्यासकार थे, ये अपने पुस्तकों के माध्यम से कई बार जो है ऐसे गरीबी को दिखाया, कई बार जो है ऐसे राष्ट्र के हित में दिखाया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत फेमस भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में LIC ने किसे फिर से मतलब पुनः MD और CEO के रूप में नामित किया है? ये आपको सिद्धार्थ मोहंती को किए हैं। किसे किए हैं? सिद्धार्थ मोहंती को। ये रहे सिद्धार्थ मोहंती, बीच में इन्हें हटा दिया गया था लेकिन अब LIC जो है फिर से इन्हें MD और CEO दोनों नियुक्त कर दिया गया है। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे कुछ भी अभी हाल में कुछ कुछ नियुक्तियाँ हुआ है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत अहम है और वो पूछता भी है। जैसे डॉक्टर BN गंगाधर का गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। जस्टिस सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और TV रविचंद्रन को नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सब जितने भी आप फैक्ट देख रहे हैं इसे आप रिमेम्बर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। PGCIL के नए CMD रविंद्र कुमार त्यागी को बनाए गए हैं। CS सेटी SBI के नए चेयरमैन बने और 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी के कार्यभार संभाले हैं। CS सेटी SBI के नए चेयरमैन बन चुके हैं। इतनी फैक्ट थी नियुक्तियां से रिलेटेड जो हाल फिलहाल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मसूद पेजेस्किनियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? ये आपको हाल ही में ईरान में हुआ था ये इलेक्शन राष्ट्रपति का और ईरान के राष्ट्रपति के रूप में पेजेस्किनियन ने चुनाव जीत लिया है। ये रहे पेजेस्किनियन और मसूद पेजेस्किनियन ने बहुत अच्छे वोटिंग के साथ ईरान में अपना राष्ट्रपति का पद हासिल किया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी कुछ नियुक्तियां इससे रिलेटेड है जैसे जो एग्जाम के नजरिए से हम क्वेश्चन तो देखेंगे ही लेकिन कुछ कुछ नियुक्तियां को एक लाइन में जल्दी से देख लीजिए। जैसे डिस सुप नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। डिस सुप कहाँ के प्रधानमंत्री बने? नीदरलैंड के। टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया। जॉन स्वीनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। आदेंद्र फ्लोकोवियन को क्रोएशिया के फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ये सेकेंड बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसाका डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने। प्रबोवो सुबियातो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपको भुवनेश्वर में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन
होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? भारतीय मूल के सांसद, ये आपको लीसा नंदी जी हैं और इन्हें ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है। जो भारत में जन्म लिए हैं तो उनको भारतीय मूल के बोला जाता है और इन्हें ब्रिटेन के सांसद में मंत्री का पद मिला है और मंत्री बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना हाल ही में किस बैंक पर लगाया गया है? ये आपको पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया गया है, कुछ फॉल्ट होने की वजह से इस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? ये आपको इंडोनेशिया में खोजी गई। कहाँ खोजी गई है? इंडोनेशिया में खोजी गई है। और अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो इंडोनेशिया, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, ये रहा इंडोनेशिया। और इस जगह पर देखिएगा, यहाँ पर दिखेगा मलेशिया, फिलीपींस, जकार्ता, ये जो है इससे बिल्कुल कनेक्ट है। यहाँ छोटे छोटे आइलैंड आपको दिखेगा, ये जो देख रहे हैं ना सब छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड को मिलाकर इंडोनेशिया बनाया गया है। ओके, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आपको धीरेन्द्र ओझा जी को किया गया। किन्हें किया गया है? धीरेन्द्र ओझा को किया गया। ये आपको रहे धीरेन्द्र ओझा और इन्हें पीआईबी का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। पीआईबी का फुल फॉर्म पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एडीबी किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगी? एडीबी बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा है। 400 मेगावाट किस राज्य में ऊर्जा का संयंत्र का निर्माण कर रही है? ये आपको गुजरात में कर रहा है। कहाँ कर रहा है? गुजरात में। गुजरात से रिलेटेड और भी चीज़ें देखिए जो इस प्रकार के हैं। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया, जो कि गुजरात में पड़ता है। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है। गुजरात में स्थित स्मृतिवन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के फ्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया। इतनी फैक्ट थी। और भी एक फैक्ट है, राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। ये लगभग लोग जानते भी हैं लेकिन फिर भी समझ लीजिए। देखिए इंडिया मैप में अगर देखें तो ये रहा गुजरात, एकदम बिल्कुल लास्ट में देखिएगा इस जगह पर, ये गुजरात है। इसको जूम करके दिखाया गया आपको। आज के सेशन में एक क्वेश्चन है कि गुजरात की राजधानी बताने की, गुजरात की राजधानी है कहाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये आपको केटी परनायक जी किए हैं। किसने किए हैं? केटी परनायक। और देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं कि सिर्फ यही प्रश्न आ सकता है, पुस्तक से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आ सकता है जो हाल के दिनों में लिखा गया है या पब्लिक किया गया है। जैसे दुबुरी सुबाराव ने जस्ट ए मॉर्सिनरी नाम से अपना संस्करण लॉन्च किया। गोटवाया राजपक्षे ने द कॉन्फिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। आर अश्विनी की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुटी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च किया। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर ऑफ एंड ए मम्मा और एक और इसी में है एंड फाइंड्स ए होम का भी विमोचन किया। किसने किया? आलिया भट्ट। कल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का भी विमोचन किया है। और एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका नाम है सलमान रुशदी, ने अपना संस्मरण नाइफ
नाइफ नामक एक पुस्तक का इन्होंने लॉन्चिंग किया है, और एक ये नाइफ वाला कई बार पूछा है कि किसने लिखा, तो सलमान रुश्दी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? ये आपको केरल में आया है। कहाँ आया है? केरल में। इसमें मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ बीमारी जो अमीबा के वजह से होता है, ये चौथा मामला सामने आया है केरल में। केरल की बात करें तो पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोची में आयोजित हुआ, हाल ही में हुआ है। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड बना है, जो कि केरल में पड़ता है। अगर हम बात करें केरल की, तो देखिए मैप में आपको लेके चलते हैं केरल, आप भी दर्शन कीजिए। देखिए ये दक्षिण भारत का ये वाला इलाका देखिएगा, तो इस जगह पर केरल है और इसी का बात कर रहे हैं, और ये दक्षिणी पॉइंट तक जाकर मिलता है। और हम एक बार ज्योग्राफी में बताए हैं पूरे स्टेट को याद करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि उसे देखें तो आप मेरे पुराना वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है केरल की आपको राजधानी बतानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ओके, हाल ही में भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेगी? ये आपको बांग्लादेश और भारत दोनों मिलके गंगा जल संधि को नवीनीकृत मतलब फिर से उसको अच्छा बनाया जाएगा। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगी। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ, फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? ये आपको हांगकांग, ये सबसे महंगा वैश्विक शहर है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ जिसका नाम है मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी यानी कि किसी भी शहर में रहने का कॉस्ट, जो कि 2012 में ये पब्लिक हुआ है। हांगकांग सबसे महंगा शहर है पूरा विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में SBI जनरल एश्योरेंस ने किसे MD और CEO नामित किया है? ये आपको नवीन चंद्र झा को किया, किसे किया है? नवीन चंद्र झा को किया है। आज के वीडियो में इतना ही करेंट अफेयर है, और ये 1 तारीख से लेकर 11 तारीख के हमने वीडियो मेंशन कर लिया। देखिए आप अपने पढ़ाई को इस तरह से स्टेबल रखिए कि कभी भी कोई आपको फ्लक्चुएट ना कर सके, कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अगर कभी जिंदगी में पक्षी की तरह व्यवहार करने का मौका मिले तो बाज बनिए। वो इसलिए बोल रहे हैं कि दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता, बाज नहीं। अगर आपको किसी ने फंसा भी लिया हो, यदि आप बाज की तरफ विचार रखते हैं तो पूरा पिंजड़ा लेकर उड़ जाइएगा। और इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मेरे साथ बने रहने के